वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीन राशि वालों, यह मानव शरीर इस विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है, अर्थात जितनी शक्तियाँ अथवा विभूतियाँ इस समस्त विश्व का संचालन करती है, वह सभी सूक्ष्म रूप से इस पिंड में यानी कि हमारे इस मानव शरीर में विद्यमान है। तभी तो व्यक्तियों पर शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव सदा ही बना रहता है। जो ग्रह शुभ होते हैं उससे संबंधित कार्य करने पर जातकों को सफलता मिलती है, जबकि अशुभ ग्रह के प्रभाव से सदैव परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ग्रह हमारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ते, वे सदा हमारे साथ ही रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन ग्रहों का प्रभाव हमें प्रभावित करता रहता है। मित्रों, जब जब ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। जल से लेकर अग्नि तक, नमक से लेकर एरोप्लेन तक, भोजन के दाने से लेकर फैक्ट्री तक, हर जगह परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही कुछ आने वाले 2 महीनों में भी होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, स्वगृहस्थे रवो लोके महोग्रस्त सदुद्यमी चंद्रे कर्मरतः साधुर मनस्वी रूपवान पी। यानी कि जब जब सूर्य अपनी स्वराशि में होता है, शनि अपनी स्वराशि में होता है, तो धनी सुरवीर उद्यमी कुल पोषक बनता है। और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से 15 अगस्त के बाद और सितंबर में खूबसूरत परिवर्तन होने वाला है। अब यह आपके लिए कैसे होगा, कौन करेगा, किस तारीख में होगा, ये सब विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के लिए अगस्त और सितंबर में क्या परिवर्तन होने वाला है। मीन राशिफल 2024 के अनुसार 15 अगस्त से लेकर सितंबर का पूरा महीना विचारों और नैतिकताओं एवं पारिवारिक मामलों में लाजवाब खुशियां व उपलब्धि लेकर आ रहा है। पेशेवर जीवन से लेकर निजी जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही 15 अगस्त के बाद ग्रहों की स्थितियां चेंज होगी, तो अब खुद को नौकरी में, बिजनेस में, दुनिया, परिवार एवं समाज की नज़रों में सही साबित होने लगेंगे और उनके लिए आपको अवसर भी मिलेंगे। आप में जुड़ाव की गजब की क्षमता विकसित होगी। आप अपनी क्षमता और ऊर्जा को सही दिशा में ला सकेंगे और उसके परिणाम बहुत संतोषप्रद होंगे। अगर आप 15 अगस्त के बाद अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो यकीनन आपको कोई बड़ा पद लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। नौकरी में आपकी बोलबाला होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी न केवल आपसे संतुष्ट होंगे, लेकिन भविष्य के लिए एक अच्छे लीडर की छवि आप में तलाश कर सकेंगे। यहाँ तक आपकी धन संबंधित परेशानियाँ बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इसमें आपको 2 लाभ मिलेंगे। पहले तो आप मानसिक तनाव से मुक्त होंगे और दूसरा, धन से संबंधित, निवेश से संबंधित आपके प्रयास सार्थक होंगे, जिसके कारण आप में गजब का आत्मविश्वास का संचार होगा। आप सम्मेलनों में, सेमिनारों में, व्यवसायिक दावतों पर आमने सामने की बातचीत में सफल होंगे। उसका नतीजा यह होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी, बहुत अच्छी होगी। आप में से जो लंबे समय तक नौकरी करके थक चुके हैं, एक नए अवसर की तलाश में है, उनके लिए स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं बन रही है। और यह बदलाव आपको न केवल राज्य तक सीमित रख सकता है, लेकिन वह आपको देश विदेश में भी बसा सकता है। इस समय पर बड़े पैमाने पर कार्य होंगे। अगर आप किसी बड़ी डील के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी बातचीत सफल होगी। अधिकारियों से रिश्ते आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। संयुक्त वित्त, ऋण व फंडों के सौदे होंगे। यहाँ तक आप शेयर बाजार में भी बड़ा हिस्सा निवेश कर सकते हैं। यानी कि अगस्त से लेकर सितंबर का महीना कामकाज में, बिजनेस में आपके लिए 4 चांद लगाएगा। और ये केवल बड़े बिजनेस के लिए ही नहीं है, यह छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा। अगर आप खुद की दुकान चला रहे हैं, छोटी सी शॉप है, तो आपके वहाँ भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी, आपके संपर्क बढ़ने लगेंगे। आप एकदम से ही देख पाएंगे कि सूर्य की वजह से माल एकदम से बिक रहा है।
माल की बिक्री हो रही है। अगर आप मैनेजमेंट, कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं, तो बस आपका वक्त बदलने वाला है, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल गुरु की युति व्यक्तियों को शिक्षा में ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। वह अपने पराक्रम से प्रतियोगिता में सफलता हासिल करवाती है। आप प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने में सफल होते हैं। गुरु की वजह से आपको राज्य या फिर केंद्र सरकार में बड़ा पद मिलता है, और जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, वह यकीनन बड़े स्थान पर पहुंचने में सफल होता है, कहीं पर भी, राजनीति हो या फिर ट्रस्ट हो। मीन राशि वालों, आपके छठे भाव में स्वगृही सूर्य व्यक्तियों को रोग से मुक्त करता है। ऐसे व्यक्तियों को धन, कीर्ति और आयुष्य की प्राप्ति होती है। उनके महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, उनकी सारी आशाओं की पूर्ति होती है। ऐसे समय में आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है। अगर ऐसे में आपके परिवार में कोई व्यक्ति बिना काम या बिना नौकरी के होता है, तो उन्हें नौकरी मिलती है। खासकर आपके रिश्ते मित्रों से, पार्टनर से, अधिकारियों से अच्छे हो जाते हैं। जीवन में धन की कमी महसूस नहीं होती है। इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित कार्य करते हैं, टूरिज्म क्षेत्र से संबंध है, तो आपका एकदम से भाग्य जरूर बदलेगा। मीन राशि वालों, याद रखें, दुनिया में कितने भी परिवर्तन हो, लेकिन इन दो महीनों में आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव का अनुभव जरूर करेंगे। ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा होने का एहसास भी होगा। मित्रों, आपके सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति से आपकी व्यापारिक यात्राएं होगी। अगर आप अपने पैसे में, यानी कि अपने स्थान पर, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में अभिव्यक्त करने की आज़ादी चाहते थे, तो आपको मिलेगी, क्योंकि आप केवल मशीन बनकर काम नहीं कर सकते। इसलिए भाग्य आपको सहयोग भी करेगा। इस समय आप धन संबंधित मामलों में जुड़ेंगे, और निश्चित ही आप अपना स्वयं का काम, कार्य, स्वतंत्र बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं। 15 अगस्त से लेकर सितंबर का समय लवमेट के लिए बेहतरीन रहेगा। इस समय में आपके रिश्ते में माधुर्यता बनी रहेगी। कुछ वक्त नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त आपको साथी के साथ बिताने का अवसर मिलेगा। संबंधों में नवीनता दिखाई देगी, लेकिन अगर आप किसी को प्यार करते हैं और आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले कुंडली को जाने, चेक करें और फिर आगे बढ़े। मीन राशि फल अगस्त सितंबर में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।